जोधपुर गांव के स्कूल में स्वतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी। सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित हुए। सभी बच्चे ध्यान दें, इस स्वतंत्र दिवस पर हमारा गांव सभी बच्चों के लिए एक भव्य फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों के लिए ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन बहुत खास है, क्योंकि स्वतंत्र दिवस पर देशभक्ति दिखाने का ये एक शानदार अवसर होगा। इसलिए सभी बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए और अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेस बनवा लीजिए। अब आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस का प्रबंध करके फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में भाग लेना है। क्लास में पढ़ने वाली गांव के जमींदार की बेटी सुरभि बहुत ही घमंडी थी। उसे अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड था। जैसे ही क्लास टीचर बाहर गई, सुरभि घमंड से बोली, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। मैं शहर से अपने लिए बढ़िया सी ड्रेस मंगवाऊंगी। आज ही पिताजी से जाकर बात करती हूँ। पर कोई और ही कॉम्पिटिशन जीत गया तो फिर? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इस पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूँ, इसलिए सबसे महंगी ड्रेस मैं ही पहन सकती हूँ। और महंगी ड्रेस पहनकर तो ये साधारण सी बात है कि कॉम्पिटिशन मैं ही जीतूंगी। घमंड से भरी हुई सुरभि अपने घर गई और उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। पिताजी, आपको पता है स्वतंत्र दिवस पर हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। आप मुझे शहर से बढ़िया वाली ड्रेस दिलवा दो ताकि इस कंपटीशन को मैं जीत जाऊं। मुझे आज ही शहर जाना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाता हूँ, हम आज ही शहर चलेंगे। इधर सुरभि अपने माता पिता के साथ एक महंगी सी ड्रेस खरीदने के लिए शहर चली जाती है। उधर उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक गरीब घर की बेटी स्वरा भी इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही थी। माँ, मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास महंगे कपड़ों के लिए पैसे ही नहीं है। सुरभि कह रही थी कि वो बहुत महंगी ड्रेस खरीदेगी। माँ, मैं ये कंपटीशन कैसे जीतूंगी? स्वरा, तुम्हें इसके लिए बहुत सुंदर एक ऐसी ड्रेस तैयार करनी होगी जिसे पहनने के बाद तुम्हारे मन में देश के प्रति उत्साह और प्रेम झलके। इसके लिए तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि तुम्हारी पोशाक एक तिरंगे की हो या तुम्हारी पोशाक पर तिरंगा बना हो। एक ऐसी पोशाक जिसे देखकर सबके मन में तिरंगे के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न हो। फिर कुछ सोचने के बाद स्वरा की माँ अनीता बोली, स्वरा, मुझे समझ आ गया कि तुम स्वतंत्र दिवस पर क्या पहनोगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा एक तिरंगे वाला लहंगा चोली और चुनरी तैयार करूंगी। पर माँ, वो कैसे? मेरे पास तिरंगे के रंग के कुछ कपड़े हैं। मैं उन्हें जोड़कर तुम्हारे लिए लहंगा तैयार करूंगी। ये रही मेरी साड़ी, ये हुआ हरा रंग, ये तुम्हारे बापू की पगड़ी, ये हुआ सफेद रंग, और ये रही मेरे पास केसरिया रंग की चुनरी। हो गए ना तिरंगे के तीन रंग पूरे। मैं पड़ोस की कमला भाभी के घर से सिलाई मशीन ले आती हूँ और बस तुम्हारा तिरंगे वाला लहंगा रात तक तैयार हो जाएगा। अनीता ने खूब मेहनत से कपड़ों को जोड़ जोड़ कर तिरंगे के रंग का लहंगा चोली और चुनरी तैयार कर दी। कॉम्पिटिशन का दिन आ जाता है। सुरभि ने चमकदार वेस्टर्न पोशाक पहनी हुई थी। स्कूल के मैदान में सब बच्चे भी अलग अलग पोशाक में नजर आ रहे थे। अचानक स्वरा प्रवेश करती है। भारत के तिरंगे को दर्शाती हुई उसकी पोशाक बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैदान में उपस्थित सभी लोग स्वरा को देख रहे थे। स्वरा की पोशाक सबसे अलग थी। अब प्रिंसिपल मैडम विजेताओं की घोषणा करेंगी। बच्चों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तैयारी की है, इसीलिए सभी बच्चों की मैं सराहना करती हूँ। पर हमें परिणाम भी घोषित करने हैं, इसलिए आज का प्रथम पुरस्कार स्वरा को ही जाता है। स्वरा की पोशाक वास्तव में देश के प्रति प्रेम और आदर्श को दर्शाती है, और आज स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये जरूरी भी था कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कुछ ऐसा पहने जो हमारे देश के प्रति देशभक्ति को दर्शाता हो। स्वरा, स्टेज पर आओ, प्रिंसिपल मैडम के हाथों से अपना पुरस्कार लो। मैम, मैंने तो इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, फिर मुझे क्यों प्रथम पुरस्कार नहीं दिया गया? बेटा, स्वरा ने हमें याद दिलाया है कि हमारे देश की भावना महंगे कपड़ों में नहीं बल्कि हमारे दिल और तिरंगे के प्रति हमारे सम्मान में छुपी है, इसलिए वो आज सच्ची विजेता है। मैम, मुझे समझ आ गया है। ये देखिए मैम, मैंने भी अपने देश का झंडा अपनी ड्रेस पर लगा लिया। अब मैं भी देश के लिए प्रेम और सम्मान
सम्मान को प्रस्तुत करूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। आज का दूसरा पुरस्कार सुरभि को दिया जाएगा और तीसरा पुरस्कार काजल को। सुरभि बहुत खुश होती है और वो स्वरा की भी प्रशंसा करती है। स्वरा खुशी के आंसुओं के साथ गर्व से खड़ी थी। सब उसकी सादगी और देशभक्ति की सराहना कर रहे थे। ये सब स्वरा की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस बच्चे की जीत थी जो तमाम तकलीफों और परेशानियों के बावजूद बड़े सपने देखता है। स्वरा और सुरभि अपने अपने घर जाती है। स्वरा के माँ बाप बहुत खुश थे कि आज उनकी बेटी को प्रथम पुरस्कार मिला है। उधर सुरभि भी घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है, जिसे सुनकर सुरभि के माता पिता भी अपनी बेटी के इस बदलते हुए व्यवहार को देखकर गर्व महसूस करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में चार परी दोस्त एक साथ रहा करती थी। चारों में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती थी। वो जहाँ भी जाती थी एक साथ जाती थी। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे परीलोक में दी जाती थी और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली परियाँ थी। वो हमेशा परीलोक की रक्षा करती थी, हमेशा बुरी शक्तियों को अपने परीलोक में आने से रोकती थी। ऐसे ही एक दिन चारों परियां रानी परी के पास जाती हैं और रानी परी से कहती हैं, रानी परी हम कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, क्या हम पृथ्वी पर जा सकते हैं? तुम चारों परियां हमारे परीलोक की जान हो, तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं, तुम्हारे होने से परीलोक सुरक्षित रहता है। अगर तुम कहीं चली जाती हो तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं कोई बुरी शक्ति आकर हमारे परीलोक पर हमला ना कर दे, इसलिए हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देते। लेकिन रानी परी, हमारा पृथ्वी पर जाने का बहुत दिल कर रहा है, कितना समय हो गया हम पृथ्वी पर नहीं गए और अब कोई बुरी शक्ति हमारे परीलोक की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकती। क्या आपने नहीं देखा था पिछली बार हमने काली शक्तियों को किस तरह से भगाया था? प्लीज हमें जाने दीजिए ना। ठीक है ठीक है, तुम चारों अब इतनी ज्यादा जिद कर रही हो तो मैं मना नहीं करती, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों से अपने ही जैसे चार पुतले बनाने होंगे ताकि बुरी शक्तियों को ये लगे कि तुम परीलोक में ही हो और पृथ्वी पर जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगी। साधारण इंसान बनकर पृथ्वी पर घूमोगी। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो तुम जा सकती हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने पृथ्वी पर जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो बुरी शक्तियों को एक मिनट भी नहीं लगेगा कि तुम कहाँ हो। चारों परी सहेलियों को रानी परी से अनुमति मिल जाती है और वो उसके बाद अपनी जादुई शक्तियों से अपने ही जैसे चार पुतले बनाती है और उसके बाद साधारण इंसान बनकर पृथ्वी पर आ जाती है, जिसके बाद वो पृथ्वी के सुंदर सुंदर नजारे देख रही थी और शॉपिंग कर रही थी, पार्टियां कर रही थी, बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रही थी। तभी एक परी कहती है, हमारा परीलोक भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है और वहाँ पर अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं, सुंदर सुंदर नजारे हैं, लेकिन पृथ्वी की तो बात ही अलग है। यहाँ आते ही मैं फ्रेश हो जाती हूँ। अब मुझे लगता है कि हमें किसी बारिश वाले इलाके में जाना चाहिए। सुना है आजकल कई जगहों पर बहुत बारिश हो रही है, तुम सभी कहाँ जाना पसंद करोगी, महाबलेश्वर, खंडाला या फिर लोनावला? मैं तो महाबलेश्वर जाना पसंद करूंगी, क्योंकि वहाँ पर इस समय बहुत बारिश हो रही होगी। बारिश में नहाने और नाचने का अपना ही मजा है। चारों सहेलियाँ महाबलेश्वर जाने का प्लान बनाती हैं और वो महाबलेश्वर पहुँच जाती हैं। महाबलेश्वर में बहुत बारिश हो रही थी और वो बारिश के मजे ले रही थी। वो तेज बारिश में झूम झूम कर मोर की तरह नाच रही थी। मैं नाचूं आज झूम झम 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 और बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रही थी कि तभी उन्हें एक औरत के रोने की आवाज आती है। मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है, क्या तुम तीनों को भी आ रही है? हाँ हाँ, मुझे भी किसी के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। हम चारों के सिवा यहाँ इस ठंडी बारिश में कोई भी नहीं है। हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई है जो रो रहा है। हमें इस आवाज का पीछा करना चाहिए। अरे यार, अच्छे खासे इंजॉय कर रही हैं। कोई रो रहा है तो रोने दो, हमें क्या लेना देना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हम इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ से भी ये रोने की आवाज़ आ रही है, हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए आखिर बात क्या है।
चारों परी दोस्त आवाज का पीछा करती है तो वहाँ पर एक औरत बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में थी और वो फूट फूट कर रो रही थी। इतनी तेज बारिश में उसके पास कोई छाता भी नहीं था। तभी वो जख्मी औरत चारों परियों को देखकर कहती है, मेरी मदद करो, मेरी चार चार नवजात बच्चियाँ यहाँ कहीं घास फूस में दबी हुई है, मेरी नवजात बच्चियों को बचा लो वरना मेरी बच्चियाँ बारिश से ठंड में ही मर जाएंगी, मेरी बच्चियों को बचा लो। ये आप क्या कह रही हैं? आपकी नवजात बच्चियाँ यहाँ घास फूस में दबी हुई हैं और आप इस तरह से जख्मी हैं? क्या हुआ हमें बताइए। मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले आप मेरी बच्चियों को ढूंढो, वो यही कहीं घास फूस में दबी हुई है, मेरी दुष्ट सास और पति ने उन्हें यही कहीं घास फूस में दबाया है, कृपया करके मेरी बच्चियों को बचा लो, उन्होंने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी, अभी आंखें भी नहीं खोली, मेरी बच्चियों को बचा लो। चारों परियों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जख्मी औरत क्या कह रही है, लेकिन वो उसके कहने पर यहाँ वहाँ घास फूस में ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें वो नवजात बच्चियाँ नहीं मिल रही थी। आखिरकार बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद वो चारों नवजात बच्चियाँ मिल जाती हैं। वो सभी बच्चियाँ ठंड की वजह से जम चुकी थी। अरे ये चारों तो जम चुकी हैं। पता नहीं सास आ भी रही है या नहीं, हमें तुरंत आग जलानी होगी। पता नहीं साधारण आग से काम होगा भी या नहीं। मुझे लगता है कि हमें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, अपनी जादुई आग जलानी होगी, उस आग से ही चारों बच्चियाँ ठीक हो सकती हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो, हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर हमने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया तो काली शक्तियों को पता चल जाएगा कि हम पृथ्वी पर हैं और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। मेनिका हम परियां हैं और हमारा कर्तव्य है लोगों की मदद करना, लोगों की जान बचाना, ना कि उन्हें मुसीबत में अकेले छोड़ना। और तुम्हें ये बेचारी नवजात बच्चियां नजर नहीं आ रही क्या? अगर हमने अपनी जादुई शक्तियों की मदद नहीं ली तो ये अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? काली शक्तियों को हम बाद में देख लेंगे। फिर टेंट लगाकर लारा परी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वहाँ आग जलाती है। जादुई आग की मदद से चारों नवजात बच्चियाँ ठीक हो जाती हैं और उसके बाद चारों परियाँ उन चारों बच्चियों को दूध पिलाती हैं और उसके बाद उनकी जख्मी माँ के पास उन्हें लेकर जाती है। तभी वो जख्मी औरत चारों परियों से कहती है, तुम चारों परियों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी चारों बच्चियों को बचाया, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी चारों बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए जिंदा रहूंगी, मेरा समय आ चुका है, तुम चारों ने मेरी बच्चियों को बचाया, क्या तुम मेरे जाने के बाद मेरी बच्चियों का ख्याल रख सकती हो, उनका पालन पोषण कर सकती हो? हम परियां पृथ्वी के बच्चों को परीलोक पर लेकर नहीं जा सकते, परीलोक में सिर्फ परियां ही रहती हैं और हम यहाँ पृथ्वी पर भी नहीं रह सकते। आप हमें बताइए इन चारों बच्चियों के पिता कहाँ पर हैं? हम चारों को वहाँ लेकर जाते हैं। अगर इनके पिता इन्हें अपनी बेटी बांध दे तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता, मेरी हालत मेरे पति ने ही की है और मेरी सास ने भी मुझे बहुत मारा और मेरी बच्चियों को जिंदा घास फूस में दबा दिया ताकि वो ठंड और बारिश से मर जाए, वो लोग बहुत ही ज्यादा कठोर और निर्दयी है, अगर तुम इन्हें वहाँ लेकर जाओगी तो इन चारों को वो दोबारा मार देंगे। नहीं, मैं मेरी बच्चियों को वहाँ नहीं भेज सकती। इतने ज्यादा दुष्ट इंसान है, कोई अपने बच्चों के साथ भी क्या ऐसा करता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ ले जाना इन्हें खतरे से खाली नहीं है, वो इंसान नहीं जानवर है, जानवर। चारों परियां आपस में बातें कर रही थी कि तभी वो जख्मी औरत हमेशा हमेशा के लिए अपनी चारों बच्चियों को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। चारों परियों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और अब वो इस दुविधा में फंस जाती है कि वो इन चारों अनाथ बच्चियों को किसके सहारे यहाँ पृथ्वी पर छोड़कर जाएं? वो परीलोक में भी चारों अनाथ बच्चियों को लेकर नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगता है कि अब हम चारों को, इन चारों अनाथ बेटियों को अपने साथ परीलोक लेकर जाना ही होगा।
हाँ, अब हम कर भी कह सकते हैं। हमें यहाँ ठंड में ये चार अनाथ बेटियाँ मिली हैं। अब हम इन्हें अपनी बेटियाँ बनाकर परीलोक लेकर जाएंगे। रानी परी थोड़ा गुस्सा करेंगी, लेकिन हम उन्हें मना लेंगे। अब हमें परीलोक जाना चाहिए। चारों परियां उन चारों अनाथ बच्चियों को अपनी बेटी बनाकर परीलोक ले जाने का फैसला करती हैं। जब वो परीलोक जा रही थी कि तभी वो परीलोक जाकर देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि परीलोक को चारों तरफ से काली शक्तियों ने घेर लिया था। बेचारी सभी परियां काली शक्तियों की चपेट में आ चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। रानी परी भी काली शक्ति की चपेट में आ चुकी थी और वो नीली जादूगरनी परीलोक पर कब्जा करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। रानी परी, तूने क्या सोचा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी और परीलोक पर कभी कब्जा नहीं करूंगी? हाँ, अब ये परीलोक मेरा है, मेरा यहाँ पर मेरा राज चलेगा। तुझे अपनी चारों शक्तिशाली परियों पर बहुत घमंड था ना, लेकिन तुझे उन्होंने धोखा दे दिया। पृथ्वी पर जाकर उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और उसी समय मुझे पता चल गया कि चारों शक्तिशाली परियां परीलोक में नहीं है और मैंने मौके का फायदा उठाया। दुष्ट नीली जादूगरनी, तुझे क्या लगता है कि तू खून बहाकर हम परियों को मारकर परीलोक पर राज कर पाएगी, यहाँ खुश रह पाएगी? नहीं, तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। फिलहाल तो उदास तू है, परेशान तू है, क्योंकि तू मेरी चपेट में आ चुकी है। तेरा बचना नामुमकिन है। कहाँ है तेरी शक्तिशाली चारों परियां? पृथ्वी पर जाकर परीलोक को भूल गई। मेनिका परी, यहाँ पर क्या हो रहा है? लगता है हमने पृथ्वी पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया था ना, इसी वजह से इस दुष्ट नीली जादूगरनी को पता चल गया। अब हम परीलोक के अंदर कैसे जाएंगे? क्या करें? कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि हम किसी बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इन चारों अनाथ बेटियों की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। ना हम इन चारों की मदद करते और ना ही ये नीली जादूगरनी हमारे परीलोक के ऊपर कब्जा करती। अब क्या करें? हम परीलोक के अंदर भी नहीं जा सकते। मुझसे परीलोक का ये हाल नहीं देखा जा रहा। देखो तो, इस नीली जादूगरनी ने पूरे परीलोक का क्या हाल बना दिया। सभी परियों को कितना ज्यादा मारा है। बेचारी अपनी मदद भी नहीं कर पा रही। और रानी परी, हमारी सबसे बड़ी गलती थी जब हम पृथ्वी पर गए। ना हम पृथ्वी पर जाते और ना ही हमें ये चारों अनाथ बेटियाँ मिलती और ना ही हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते। अब हमें ये सोचना होगा कि हम इस नीली जादूगरनी से कैसे लड़े। हम इस तरह से पृथ्वी पर इन चारों अनाथ बच्चियों को भी तो मरता हुआ नहीं देख सकते थे। अब जल्दी सोचो हमें करना क्या है। अगर ये नीली जादूगरनी बाहर आ जाती है तो हम परीलोक के अंदर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये परीलोक के अंदर रहेगी तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। मेरे पास एक आइडिया है इस नीली जादूगरनी को बाहर बुलाने का। चारों परियां अपनी चारों अनाथ बेटियों को रुलाना शुरू कर देती हैं और वो जोर जोर से रो रही थी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नीली जादूगरनी चौंक जाती है और वो बाहर निकलकर आ जाती है। और जैसे ही नीली जादूगरनी परीलोक से बाहर निकलकर आती है, तभी चारों परियां परीलोक के अंदर पहुंच जाती हैं और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और रानी परी को और सभी परियों को काली शक्तियों से आजाद करा देती हैं। लेकिन तभी वहां पर नीली जादूगरनी आ जाती है। अच्छा अच्छा, तो तुमने मुझे धोखे से बाहर बुलाया ताकि तुम अंदर आ सको, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम चारों को मारकर तुम्हारी शक्तियाँ लेकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। बहुत समय पहले किसी गांव में सोफिया नाम की एक गरीब लड़की अपनी सास और पति के साथ रहती थी। उन दिनों सोफिया गर्भवती थी। सोफिया की सास चाहती थी कि सोफिया लड़के को ही जन्म दे, इसीलिए वो हमेशा उसे धमकी दिया करती थी। सुन बहू, मुझे पोता ही चाहिए। अगर तूने लड़की को जन्म दिया तो मैं तुझे घर से बाहर भगा दूंगी। लेकिन मम्मी जी, लड़का होगा या लड़की, ये बातें मेरे बस में तो नहीं है ना, ये तो भगवान के बस में है। देख, फालतू की बातें मत कर, हमें सिर्फ लड़का ही चाहिए।
मैं तो कहती हूँ कि हम इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो हमें 2 मिनट में ही बता देगा कि इसके पेट में कौन पल रहा है। फिर वो दोनों सोफिया को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सोफिया का चेकअप करते ही डॉक्टर हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, तुम्हारी बहू के पेट में तो 12 लड़कियां पल रही हैं। ये सुनते ही सोफिया की सास और उसके पति के होश उड़ जाते हैं। अरे सत्यानाश हो इस कलमोही का, 12 लड़कियों को जन्म देकर ये मेरे घर को नर्क बनाना चाहती है। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, मगर इसने 12 बेटियों को जन्म दे दिया तो हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। इतनी सारी लड़कियों की शादी का खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे माँ? एक काम करते हैं, इसे घर से बाहर भगा देते हैं, उसके बाद मैं दूसरी शादी कर लूँगा और आपके लिए एक अमीर बहू लाऊंगा। फिर वो दोनों हमेशा के लिए सोफिया को अपने घर से भगा देते हैं। उसके बाद सोफिया एक घर में नौकरानी का काम मांगने के लिए जाती है। मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मेरे पास अब गुजारे का कोई साधन नहीं है, दया करके आप मुझे अपने यहाँ नौकरानी का काम दे दीजिए। सोफिया को देखते ही वो औरत मुंह बना लेती है। अरे मुझे तो एक हट्टी कट्टी काम करने वाली नौकरानी चाहिए, और तू तो गर्भवती है, तुझसे क्या काम होगा? चल जा यहाँ से, बेकार में मेरा समय बर्बाद मत कर, चल निकल। देखिए ऐसा मत कहिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी और मन लगाकर सारे काम करूंगी। मैंने तुझसे कह दिया ना कि मुझे काम पर नहीं रखना है तुझे, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? चल चुपचाप जा यहाँ से, वरना मैं अभी झाड़ू लाकर तेरी खूब पिटाई करूंगी। ये सुनकर सोफिया घबरा कर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सोफिया सड़कों पर भूखी प्यासी भटक रही थी। मैं तो अपना ही गुजारा नहीं कर पा रही, कुछ ही दिनों में मेरी 12 बेटियां भी पैदा हो जाएंगी, फिर मैं अपनी बेटियों की परवरिश कैसे करूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लगता है मुझे कहीं जाकर सुसाइड करनी पड़ेगी, मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद सोफिया एक नदी के किनारे सुसाइड करने पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां झाड़ू लगा रही एक रवीना नाम की लड़की सोफिया को देख लेती है। रवीना सोफिया के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अरे सोफिया, कई सालों के बाद मिली है तू। अरे वाह, तू तो गर्भवती है, लेकिन इस हालत में तू नदी के किनारे क्या करने आई है? सोफिया रोते हुए रवीना को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। सच में तेरी सास और तेरे पति तो बहुत ही जालिम है, भगवान उन्हें नर्क में भी जगह नहीं देगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। मैं एक दयालु परी को जानती हूँ जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है, उनका नाम सिंड्रेला परी है, तू मेरे साथ चल, सिंड्रेला परी तुझे अपने घर में सहारा जरूर देंगी। उसके बाद रवीना सोफिया को लेकर सिंड्रेला परी के घर चली जाती है। फिर रवीना सिंड्रेला परी को वो सारी बातें बता देती है। अब से तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है सोफिया, तुम मेरे घर पर आराम से रह सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद है। ये सुनकर सोफिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सिंड्रेला परी के घर पर आराम से रहने लगती है। फिर कुछ समय बाद सोफिया अपनी 12 बेटियों को जन्म देती है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से सिंड्रेला परी और रवीना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी रवीना सिंड्रेला परी से कहती है, सिंड्रेला परी, अब इन बच्चियों को कौन पालेगा, इनकी माँ तो इन्हें छोड़कर चली गई। तुम चिंता मत करो, अब इन बच्चियों को मैं पालूंगी और इन्हें माँ का प्यार भी दूंगी। उसके बाद से सिंड्रेला परी अपनी 12 बेटियों की अच्छे से परवरिश करने लगती है। फिर एक दिन सिंड्रेला परी अपनी 12 बेटियों के साथ जादुई कालीन पर सवार होकर उन्हें आसमान की ठंडी हवा में सैर करा रही थी। तभी जंगल की एक भयानक चुड़ैल सिंड्रेला परी को उसकी 12 बेटियों के साथ आसमान की सैर करते हुए देख लेती है। सिंड्रेला परी की 12 बेटियों को देखकर उस चुड़ैल को बहुत आश्चर्य होता है। अरे इस सिंड्रेला परी के पास तो 12 बेटियां हैं, मैं इन सभी को खा जाऊंगी और इन्हें खा कर जवान हो जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल सिंड्रेला परी का पीछा करते हुए उसके महल तक पहुंच जाती है। अरे ये सिंड्रेला परी तो इतने बड़े आलीशान महल में रहती है,
लगता है इसे कहीं से कोई खजाना मिल गया है। मुझे तो इसकी 12 बेटियां चाहिए। मैं उन्हें खाकर जवान और शक्तिशाली बन जाऊंगी और इस परी के महल पर राज करूंगी। लेकिन वो चुड़ैल जैसे ही महल के दरवाजे के पास पहुंचती है कि तभी वो दरवाजा उस चुड़ैल का रास्ता रोक लेता है। मैं लोगों के मन की बात जानने वाला जादुई दरवाजा हूँ। तुम कुछ गलत इरादे से आई हो यहाँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ए दरवाजे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे चुटकियों में मसल कर रख दूंगी। मैं तो अंदर जा कर रहूंगी। बड़ा आया मुझे रोकने वाला। वो चुड़ैल जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसे एक जोरदार करंट लगता है। उसके बाद वो चुड़ैल डर कर वहाँ से भाग जाती है। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपनी 12 बेटियों के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगती है।